नमस्कार। भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का इंडियन पॉलिटी पे जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है उसके अनुक्रम में आज हम लोग भारत की नागरिकता की बात करेंगे। और भारत की नागरिकता पर बोलने से पहले मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा तैयारी का क्रम जो एक्सटेंसिव इंटेंसिव की बात हम करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ विषय से संबंधित उन कंटेंट्स की बात करते हैं जो प्रासंगिक है, और उन कंटेंट्स पे, उन विषय सूची पे, उन हेडिंग्स पे आपको फोकस करते हुए अपना इन डेप्थ नॉलेज बढ़ाना है। जैसे मैं कंटेंट वाइज लेके चल रहा हूँ तो ये ध्यान रखिएगा, और उस पर आपको चिंतन मनन करके एक अलग नोट बनाना है, पॉइंट लिखते रहना है जो आप बाद में रिफ्रेश कर सके एग्जाम के जस्ट हफ्ता 10 दिन पहले, और चीज़ों को ठीक से समझते हुए आगे बढ़ना है। तो भारत की नागरिकता के बारे में हम बात करेंगे। भारत की नागरिकता जो है दो तरीके की है, एक है भारत की अपनी नागरिकता जो यहाँ पैदा हुए हैं जैसे, और दूसरी है अन्य देशीय जिसे कहते हैं जो एक्वायर की जाती है। भारत की नागरिकता जन्म से मिलती है। आप एक आदमी जो यहाँ जन्म लिया वो भारत का नागरिक है, लेकिन एक दूसरा आदमी जो भारत में जन्म नहीं लिया लेकिन उनके माता पिता में से कोई भी एक अगर यहाँ का नागरिक है तो वो यहाँ का नागरिकता ले सकता है, और अन्य देशीय कैटेगरी में उसे रखा रखा हुआ है। और जो नागरिक बाई बर्थ है यहाँ पे उसको कुछ विशेष अधिक राइट मिला हुआ है, और जो अन्य देशीय कैटेगरी में है उसको वो सारे जो है वंचित अधिकार जो जन्म से जिसको मिला है वो उसको प्राप्त नहीं होता है। भारत की नागरिकता प्राप्त होने के लिए जो तरीके हैं, बाई बर्थ, जन्म लिया है तो यहाँ का नागरिक होगा ही होगा। एक शब्द है अजनन, बड़ा कठिन है। अजनन मतलब जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें माता का जिक्र नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं अजनन द्वारा नागरिकता। तीसरा है रजिस्ट्रेशन, पंजीयन के द्वारा भी मिलता है। रजिस्ट्रेशन करा करके जो है आप भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो मामूली तौर पर भारत में निवासी और राष्ट्रीयकरण के लिए आवेदन करने के ठीक पहले 6 मास की अवधि तक इस प्रकार निवासी रहे हैं, या वे स्त्रियां जिनका विवाह जो है भारत के किसी नागरिक के साथ हुआ है, 6 महीना रहने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगला है देशीकरण, कोई विदेशी भारत सरकार के देशीयकरण के लिए आवेदन करके भारत का नागरिकता अर्जित कर सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ये सब जिक्र है, और नागरिकता चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, त्याग दे दीजिए, हम नहीं रहना चाहते। दूसरा पर्यवसन हो जाइए, पर्यवसन का मतलब होता है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आपने प्राप्त कर ली तो जैसे ही आप वहां की नागरिकता प्राप्त करते हैं यहाँ की नागरिकता भारत की समाप्त हो जाती है। और तीसरा है वंचित, वंचित का मतलब है कि आप किसी ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों जिससे भारत के संविधान को और देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचे तो आपको जो है वंचित किया जा सकता है, या कपट पूर्वक आपने जो अर्जित कर लिया है या भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका की तरह अपने देश में भारत की नागरिकता दोहरी नहीं है, दोहरी मीन्स स्टेट, राज्य सरकार की अलग और उनकी अलग, केंद्र की, भारत में एक नागरिकता ही गहरी है, ध्यान रखिएगा। जो लोग भारत के मूल नागरिक हैं, मूल मतलब जो जन्म से हैं,
और जो जन्म से नहीं है, जो एडॉप्ट किए हैं उनमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 अनुच्छेद, ये उनको ये लाभ नहीं मिलता है। और ना ही वो प्रेसिडेंट, ना वाइस प्रेसिडेंट, ना वोटिंग का राइट है, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनने का है। तो ये डिस्टिंक्शन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसे जो है भूलिएगा मत। तो भारत की नागरिकता के बारे में ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन कभी कभी इसमें से आ जाता है। तो इसके इसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, भारत का, भारत संविधान का मूल अधिकार और कर्तव्य। मूल अधिकार जो आप जानते हैं, जो जीवन जीने के लिए जो है सबसे बेसिक बुनियादी चीजें हैं, उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। अब मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि जो एक लिस्ट है, देश के प्रति जो है सम्मान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाना, रिसर्च करना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सब कर्तव्य है। तो मूल अधिकार में पहला अधिकार जो हम बात करते हैं वो है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार की बात अगर हम करें, भारतीय मूल अधिकारों की सूची दी हुई है, तो पहला है समता का अधिकार, और इसका आर्टिकल शुरू होता है आपका जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाकी तो नॉर्मल सी चीज है, सब आदमी पढ़ता है। इसका सबसे पहला जो है वो है अनुच्छेद 16। 15 में जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा रहता है कि निवास स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, निवास स्थान, आर्टिकल 15 में लिखा है कि समता का अधिकार राइट ऑफ इक्वलिटी के तहत कि आप धर्म, वंश, मूल, धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेंगे, परंतु ये कहीं नहीं लिखा है कि निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ऐसे केसेस में क्या होता है कि कई राज्य सरकार जो है अपने यहाँ निवास करने वाले, अपने यहाँ निवास करने वाले उन नागरिकों को, उस व्यक्ति को विशेष लाभ जैसे नौकरी, कोई रोजगार, आरक्षण की कैटेगरी, इन सब का कुछ लाभ वो दे देती है। उसके उस लाभ को आप ये नहीं कह सकते कि साहब इन्होंने जो है गलत किया, क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, नहीं कह सकते, क्योंकि अनुच्छेद 15 में ये शब्द गायब है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत डीप बात बता रहा हूं मैं, और जनरली आपको, आप पढ़ते हुए सर से निकल जाएंगे फटाफट, पढ़ते हुए और इस पॉइंट को भूल जाएंगे, उसमें ये वर्ड है ही नहीं। धर्म, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार लिखा है, उसके आधार पर विभेद को मना किया है, उसमें यह शब्द नहीं है निवास स्थान। तो आप निवास स्थान के आधार पर राज्य सरकारें जब विभेद करती है कि भाई आप छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है, आप बिहार में, बिहार के निवासी नहीं है, तो इसको जो है कर सकती है। और कोई आदमी निवास स्थान निवासी कब माना जाता है, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 है, उसमें लिखा हुआ है कि आप उस जगह, आप उस जगह या उस बाउंड्री, उस भौगोलिक राज्य का जो क्षेत्र है उसके अंदर पिछले 5 वर्ष से, पिछले 5 वर्ष से वहां निवास कर रहे हो, तब आप उस राज्य के जो है सामान्य निवासी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कौन निवासी, सामान्य निवासी माने जाएंगे। लेकिन
मूल निवासी तब भी नहीं माने जाएंगे। अलग अलग राज्यों में इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में मूल निवासी उसको मानते हैं जो जन्म से रह रहा हो। तो मूल निवासी तब भी नहीं माने जाएंगे, आप वहां के सामान्य निवासी माने जाएंगे। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आप किसी भी राज्य के किसी भी कोने से जाके उम्मीदवारी दायर कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव के लिए ऐसा नहीं। उसके लिए है कि उस राज्य का वो सामान्य निवासी होगा। तो लोग क्या करते हैं कि वहां सामान्य निवासी के लिए एक एड्रेस बना देते हैं, कभी कभी आते जाते रहते हैं, और फिर वहां से राज्यसभा का चुनाव जीत के सदन में आ जाते हैं। कई केसेस है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह जी थे, असम से थे, भले कभी कभी जाते थे। तो ये सामान्य निवासी और मूल निवासी का फर्क आप समझ लीजिए। दूसरा एक चीज है इसमें आर्टिकल 15 के बाद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसरों की समता। तो आप कहेंगे कि साहब फिर रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? तो इसके आर्टिकल 16(4) में एक प्रोविजन दिया हुआ है। आर्टिकल 16(4) में ये व्यवस्था दी हुई है कि आप राज्य जो है, केंद्र जो है, अगर ये महसूस करता है कि किसी जाति वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सेवाओं में नहीं है, तो उसके लिए इस आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण की सुविधा दे सकता है और देता है। आज आप जो देखते हैं ये जो विभेद जिसकी बात आप करते हैं, वो विभेद इसी आर्टिकल के प्रोटेक्शन से चल रहा है। आर्टिकल 16(4) तो 16(4) राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है या पदों के आरक्षण के लिए बंद कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा भाई, उसी तरीके से 16(3) है, वो कहता है कि संसद किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन या नियुक्ति के लिए किसी वर्ग के लिए शर्त के रूप में निवास का उपबंध कर सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम बोल रहे थे कि निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं है, तो वो विभेद नहीं है, बात सही है, लेकिन निवास के आधार पे आर्टिकल 16(3) पे लिखा हुआ है कि विभेद किया जा सकता है किसी वर्ग के लिए, लेकिन ये काम कौन करेगा? राज्य खुद नहीं करेगा, ध्यान देना मेरी बात पे। अगर उस राज्य में किसी वर्ग के लिए निवास स्थान का क्राइटेरिया अगर इम्पोज करना है कि भाई आप निवास के आधार पर रहे हैं नियोजन में, तो वो चीज जो है संसद करेगी, राज्य खुद नहीं कर सकता, संसद करेगा। 16(3) और 16(4) क्या था कि अगर किसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पिछड़े हुए नागरिकों किसी वर्ग के पक्ष में, तो उसके सेवाओं में राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण का प्रबंध करेगा। तो अब आप समझ गए कि आरक्षण कैसे जस्टिफाई हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इसलिए हंगामा खड़ा करने से कोई फायदा नहीं होता है। जो चीज प्रोटेक्टेड है संविधान से, उससे ऊपर ना आप है ना हम है। तो 16(3) और 16(4) का ध्यान रखिएगा, दोनों लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से है
और 16:3 जो है निवास स्थान की बात करता है, वो पिछड़े इसकी बात नहीं करता है। जब हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी बड़ा लोगों को कंफ्यूज करता है। पिछड़ा वर्ग की बात जब हम करते हैं तो पिछड़ा वर्ग का मतलब जो होता है बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास में खाली बैकवर्ड क्लास कह देने से खाली बैकवर्ड नहीं हो जाता है, इसके अंदर तीन लोग होते हैं, SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। ये तीनों मिलके बनता है बैकवर्ड क्लास। जब हम बैकवर्ड क्लास कहीं लिखा हो, जब तक ये अन्य पिछड़ा वर्ग ना लिख दिया हो, तब तक आप उसको बैकवर्ड क्लास को तीनों का इंटीग्रेटेड रूप समझेंगे। और ये जो बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन दी हुई है, इसका बेसिस है SEBC, मतलब सोशली एजुकेशनली नॉट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग, उसमें तीनों आ जाते हैं SC ST और OBC। तो आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट हो तो फिर से समझ लीजिए और पूछ लीजिए। तो हो गया आपका अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। आप ये नहीं कह सकते कि ये दलित है, ये जो है निम्न जाति का है, इसने मुझे छू दिया या इसने मुझे दूषित कर दिया, सेक्रेट और प्रोफेन की बात आप नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, ये लिखा है क्लियर इसमें। तो अस्पृश्यता का पूरा उन्मूलन है, इस अपराध के लिए दंड जो है बनाने की बात जो है की गई है, और इसी के तहत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बनाया था, जिसका नाम 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हुआ था। तो आप जो अस्पृश्यता को, किसी सदस्य को अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, अरे तुम क्या समझ रहे हो, ये तो सेक्रेट और प्रोफेन का कंसेप्ट है, पवित्र पवित्र तुम पवित्र हो, शास्त्रों में लिखा है। वी कैन नॉट प्रीच, वी कैन नॉट मेक इट जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट सेक्रेट एंड प्रोफेन। पवित्र और पवित्र के भावना के आधार पर आप जो है छुआछूत को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो ये भी कानूनन जुर्म है। आप किसी को उपदेश नहीं दे सकते, कह रहे नहीं ये तो होना चाहिए, तो सदियों से रहा है ये सब छुआछूत। आप जो है दर्शन, धर्म या आधार या कोई फिलोसफिकल किसी भी ग्राउंड पे आप इसको जस्टिफाई नहीं लिखे कर सकते। परंपरा, कर्मकांड, ये सब कुछ भी जो है न्यायोचित नहीं कर सकते। दांडित अभिशास्ति को बढ़ाकर ये बाद में जो है 1 से 2 साल, आप तो लेटेस्ट आप चेक कर लीजिए कितने साल का दंड है। तो 17 अनुच्छेद जो है बड़ा क्रिटिकल है भाई, सामाजिक रूप से जो है बड़ा ताना बाना बुना रहता है इसमें कि साहब ये तो ये है वो है सेक्रेट प्रोफेन की बात, तो अन्य किसी भी रूप में इसको मना किया गया है। अनुच्छेद 18 में कह रहा है उपाधियों का अंत है, केवल राज्य के विरुद्ध है, और भारत रत्न पद्म विभूषण को प्राप्त करता तो उपाधि का कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता, और इसीलिए संविधान में प्रतिषेध के अधीन नहीं आते हैं। चार प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए 1954 में, भारत रत्न, कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति में की गई असाधारण सेवाओं के लिए, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास चीज नहीं है। अब इसमें कोई भी आप अपने हिसाब से पेशा चुन सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन स्वतंत्रता का एक अपना जो है मीनिंग है। स्वतंत्रता का मतलब जो है उदंडता नहीं है, उच्च श्रृंखलता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वशासन से, स्व अनुशासन से, कि आप ऐसा कुछ न करें जिससे जो है अनुच्छेद 19 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया हुआ है उसमें
किसी की मानहानि न्यायालय का मानना, लोक व्यवस्था भंग करने का प्रयास करना, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना, संगम या संघ बनाना, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध निर्बाध रूप से विचरण करना, घूमना फिरना और किसी भी राज्य के किसी भी कोने में जाकर बस जाना, कोई भी पैसा चुनना, ये है आपकी स्वतंत्रताएं जो छह है। इस पे तमाम इफेन वर्ड्स है, उसको आप देख लीजिएगा। और प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है 19 में ही दी हुई है। राज्य प्रेस की स्वतंत्रता पर राज्य की सुरक्षा, भारत की प्रभुता, अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार अथवा न्यायालय और मानना मानहानि के लिए विधि बना सकता है, अनुच्छेद 19। संविधान के किसी भी विशेष उपबंध में प्रेस के सेंसर किए जाने का प्रतिषेध नहीं है, मतलब उसको जो है सेंसर किया जा सकता है। इस पे तमाम कोर्ट केसेस भी हुए हैं। अनुच्छेद 20 में कह रहा है भूत लक्षित दांडिक विधान, मतलब क्या हुआ कि कोई भी घटना के पश्चात जो विधान बनता, मान लीजिए आपने आज कोई गलती किया, आज 1 जनवरी, मान लीजिए आज क्या तारीख है, 13 तारीख, 13 मार्च को आपने कोई गलती किया और इस गलती के लिए आज की डेट में कोई कानून नहीं है, और सपोज 2 महीने बाद जो है 13/5/21 को कानून बन गया, जिसके जो आपने गलत काम किया था उसके लिए, तो इस दिन से पहले जो आपने अवैध काम किया उस पे ये चीज जो है नहीं लागू होती है, उसको बोलते हैं भूतलक्षी दांडिक विधान, जिसे साधारणतः घटना के पश्चात विधान कहा जाता है, प्रतिषेध करता है। अगर उस दिन वो कानून नहीं बना था, लागू नहीं हुआ था और आपने वो अपने कुकृत्य किया है तो लागू नहीं होगा। फिर दोहरा दंड, डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही गलती के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा है अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण, खुद को अपराध में फंसाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये दोहरे दंड से उन्मुक्ति, घटना के पश्चात विधान का प्रतिषेध और दैहिक दोहरे दंड से और अभिव्यक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और बिना साक्ष्य का जो है आपका ट्रायल हो भी नहीं सकता ठीक से, वो पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि पोस्ट फैक्टो क्या होता है और किस तरीके से जो है स्वतंत्रता पे आपको मिला हुआ मौलिक अधिकार दोहरे दंड, 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, डबल जियोपार्डी, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है और कई बार नोट सोर्स लिखने को आ जाता है 2 नंबर का, डबल जियोपार्डी, दोहरा दंड विधान। तो फिलहाल आपको जो है अनुच्छेद 20 तक आज रखते हैं, कल फिर अनुच्छेद 20 के बाद आएंगे, तब तक के लिए आपसे मेरा नमस्कार, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।